हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका इक्विवेलेंट कंसेप्ट के लेक्चर नंबर 6 में स्वागत है। लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने सीखा था कि नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट मोल का कन्वर्जन कैसे करते हैं, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं, और आखिर में हम लोगों ने लॉ ऑफ इक्विवेलेंट पढ़ा था कि किस तरह से किसी केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ इक्विवेलेंट काम करता है और कहां कहां पे उसको नहीं लगा सकते हैं, राइट। आज हम लोग उस लॉ ऑफ इक्विवेलेंट पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चुनिंदा प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि इसकी कंसेप्ट को कैसे लगाते हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो हम सबको क्लियर हो जाए, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप लोग स्क्रीन को कंप्लीटली पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए, ट्राई करने के बाद आप इसका सोल्यूशन देखें, या बेटर ये होगा कि इसमें 10 क्वेश्चन का पूरा कॉम्बो है, 10 के 10 क्वेश्चन आप एक बार स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कर लीजिए और उसके बाद वन बाय वन सोल्यूशन देखें तो बेहतर रहेगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। How many milliliter of 0.1 normal H2SO4 solution will be required for complete reaction with the solution containing 0.125 gram of pure Na2CO3? तो जस्ट ये चेक करते हैं सबसे पहले बच्चों कि H2SO4 बेसिकली Na2CO3 से रिएक्शन करेगा तो एग्जैक्टली रिएक्शन होगी क्या? इट इज गोइंग टू बी अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने वाली है, है ना। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में H2SO4 एक डाइबेसिक एसिड है, हालांकि इसके एन फैक्टर की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी इसकी नॉर्मलिटी दी हुई है। Na2CO3 का वेट दिया हुआ है तो यहां मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमें इसके एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, और क्योंकि कुछ भी और डेटा या रिएक्शन नहीं दिया हुआ है तो इसका एन फैक्टर 2 लेना ठीक रहेगा। अगर इसमें इंडिकेटर फिनॉप्थेलिन दिया होता तो एन फैक्टर 1 ले सकते थे, या कुछ रिएक्शन दिया होता कि Na2CO3 केवल NaHCO3 तक जा रहा है तब इसका एन फैक्टर 1 ले सकते थे, अदरवाइज कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन मानते हुए हम लोग Na2CO3 का एन फैक्टर 2 लेने वाले हैं, राइट। मतलब यहां पे 2H+ का रिएक्शन होके बेसिकली 2Na+ CO2 बनेगा, ऑल राइट, ठीक है, CO2 प्लस H2O। तो चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन करना। अब जैसे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हम लोग लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3, राइट। इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 हो जाएगा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें निकालना है, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0.125 ग्राम वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट करने जा रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट इसका मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट 106 होता है, राइट। यहां से अगर आपको वॉल्यूम, क्योंकि आपको दिख रहा है कि मिलीलीटर में दिया है तो हम मिलीलीटर में वॉल्यूम रख के 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो दिस विल गिव यू वॉल्यूम ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, राइट, 23.6 ml कैलकुलेशन पे आ जाएगा, क्लियर। तो बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है, डायरेक्टली एक तरफ इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, और दूसरी तरफ वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, दोनों तरीके से आप इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं, क्लियर। ऑलराइट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मोल ऑफ KMnO4 आर नीडेड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ ईच ऑफ FeSO4 एंड FeC2O4 इन द एसिडिक मीडियम, यानी एक मिक्सचर है जिसके अंदर इसके भी 1 मोल है और इसके भी 1 मोल है, राइट, दोनों के 1-1 मोल हैं जिनका हमें KMnO4 से न्यूट्रलाइजेशन करवाना है। बस आपको इसका एन फैक्टर पता होना चाहिए, आपको पता है कि FeSO4 का Fe3+ में कन्वर्जन होगा Fe2+ से Fe3+ में, तो इसका एन फैक्टर 1, ये सब हमने आप लोग को ऑलरेडी एग्जांपल्स में कराया हुआ है। FeC2O4 में Fe3+ के साथ साथ CO2 बनेगा, यहाँ आयरन का तो ऑक्सीडेशन हो ही रहा है +2 से +3 में, यानी एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है आयरन से आयरन तक, और ऑक्सलेट का CO2 में जब कन्वर्जन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो टोटल 1 मोल FeC2O4 के रिस्पेक्ट में कितने मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, आयरन से आयरन तक 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सलेट से CO2 तक 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, ये मैं ऑलरेडी थियरी में करा चुका हूं, राइट। अब क्योंकि KMnO4 दोनों से रिएक्ट कर रहा है, क्या मैं लिख सकता हूं कि इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ FeSO4 प्लस इक्विवेलेंस ऑफ FeC2O4, ऑलराइट। इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 को मैं मोल इनटू एन फैक्टर लिख सकता हूं, मोल इनटू एन फैक्टर इसका 5 होता है एसिडिक मीडियम में, आपको पता है
जब ये रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इसके एक मोल है एन फैक्टर 1 है, इसके एक मोल है एन फैक्टर 3 है, तो मोल ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड आ गया आपका 3 और 1 4, 4 बाई 5। ऑलराइट, योर आंसर इज ए। आई होप यू अंडरस्टूड, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बट ब्यूटिफुल प्रॉब्लम, बहुत आसान सी प्रॉब्लम है। सिर्फ यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट है वो ये है कि इन दोनों का एन फैक्टर आप करेक्टली निकाल लो तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट वन। 1 लीटर सोल्यूशन कंटेन 18.9 ग्राम ऑफ HNO3, ओके, एंड 1 लीटर अनदर सोल्यूशन कंटेन 3.2 ग्राम ऑफ NaOH। इन वॉट वॉल्यूम रेशियो मस्ट दी सोल्यूशन बी मिक्स टू ऑब्टेन अ न्यूट्रल सोल्यूशन? ओके, न्यूट्रल सोल्यूशन होने के लिए बच्चों आपको दोनों के मिली इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट बराबर करने पड़ेंगे। अगर मैं इसका V1 मिलीलीटर ले लूं, राइट, और इसका V2 मिलीलीटर ले लूं, तो 1 लीटर यानी 1000 ml में 18.9 ग्राम HNO3 है और इसमें 1000 ml में 3.2 ग्राम NaOH है। तो जब हम इक्विवेलेंट को इक्वेट करेंगे, इक्विवेलेंस ऑफ HNO3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ NaOH, तो क्या आएगा एग्जैक्टली कंसेप्ट? HNO3 का वेट 18.9 इंटू V1 अपॉन 1000, ऑलराइट, 1000 ml में 18.9 ग्राम है, तो V1 ml में कितना होगा आसानी से निकाल सकते हैं। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इसका 63 होता है HNO3, HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट 63 होता है, n फैक्टर 1 है। इसी तरह से इक्विवेलेंस ऑफ NaOH ये आपका हो गया 3.2 डिवाइड इंटू V2 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 40 इसका मॉलिक्यूलर वेट। बच्चों यहां से जब आप V1:V2 निकालोगे वॉल्यूम रेशियो V1:V2, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 4/50, सो योर आंसर इज गोइंग टू बी डी। क्लियर, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहां भी आपको सिंपली इक्विवेलेंट्स या मिली इक्विवेलेंट्स बराबर करके आंसर निकाल लेना है। क्लियर, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। 0.185 ग्राम ऑफ आयरन वायर कंटेनिंग 99.8% ऑफ आयरन इज डिसॉल्व्ड इन एन एसिड टू फॉर्म फेरस आयन, ये काम की चीज है। एंड द सोल्यूशन रिक्वायर्ड 29.3 ml ऑफ K2Cr27 सोल्यूशन फॉर कंप्लीट रिएक्शन द नॉर्मलिटी ऑफ K2Cr27। सिंपली वही काम करना है फिर से, आयरन प्लस 2 जो है यानी फेरस आयन इज गोइंग टू रिएक्ट विद KMnO4। तो क्या मैं लिख सकता हूं, इक्विवेलेंस ऑफ फेरस आयन इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ K2Cr27। इक्विवेलेंस ऑफ K2Cr27 हमें निकालना है, तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम 29.3 इंटू 10^-3 यानी वॉल्यूम को मिलीलीटर से लीटर में चेंज किया, राइट। एंड यहां मैं लिख सकता हूं मोल्स ऑफ आयरन प्लस 2 इंटू 1, एंड मोल्स ऑफ आयरन प्लस 2 विल बी सेम एज मोल्स ऑफ आयरन। मोल्स ऑफ आयरन कितना हो जाएगा बच्चों, 0.185 इम्प्योर वेट है और इसका 99.8% प्योरिटी है, और आयरन का एटॉमिक वेट 56 होता है। ये तो आयरन के मोल हो गए, इतने ही आयरन का इक्विवेलेंट होगा, आयरन प्लस 2 आयरन प्लस 3 में जा रहा है, तो आयरन प्लस 2 के इतने ही इक्विवेलेंट होंगे। मैंने तो क्या किया है, मोल ऑफ आयरन इज इक्वल टू मोल ऑफ आयरन प्लस 2 निकाल लिया है, राइट। तो आयरन प्लस 2 के मोल इंटू उसका एन फैक्टर 1 इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू 29.3 इंटू 10^-3। यहां से आप अगर इसको कैलकुलेट करते हो तो अप्रॉक्सिमेटली इसका आंसर 0.1, वेरी क्लोज टू 0.1, क्लोजेस्ट आंसर इसका 0.1 आ जाता है। ऑलराइट, थोड़ा सा टेढ़ा था ये, क्योंकि यहाँ पे गलती ये कर सकते थे कि भाई आयरन का एन फैक्टर 2 ले लें या 1 ले लें। एक्चुअली K2Cr27 आयरन से रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है आयरन प्लस 2 से, और इत्तेफाक से आयरन का जो मोल होगा वो आयरन प्लस 2 के मोल के बराबर होगा। तो पहले यहां तक मैंने मोल निकाल लिया, फिर इक्विवेलेंट लगा दिया, राइट। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। H2O3 ऑक्सीडाइज्ड टू H3SO4 बाय KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, वॉल्यूम ऑफ 102 मोलर KMnO4 रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस बाय 1 mmol ऑफ दिस। ओके ओके, H2O3 कन्वर्ट हो रहा है H3ASO4 में, राइट। यहां पे आर्सेनिक प्लस 5 स्टेट में है, यहां पे आर्सेनिक प्लस 3 स्टेट में है, तो दो आर्सेनिक है यहां पे, टोटल चार्ज यहां पे प्लस 3 इंटू 2 प्लस 6 हो जाएगा, यहां पे दो करेंगे तो प्लस 10 हो जाएगा, लिहाजा इसका एन फैक्टर
चार हो गया, क्लियर, प्लस सिक्स से प्लस टेन में चला, ये भी हमारे एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा। बस यही यही एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको चाहिए था। तो क्या अब मैं सीधे लिख दूं, मिली इक्वलेंट ऑफ एस टू ओ थ्री इज इक्वल टू मिली इक्वलेंट ऑफ केमेनो फोर, ऑल राइट, मिली इक्वलेंट ऑफ एस टू ओ थ्री हो जाएगा मिली मोल वन इंटू एन फैक्टर, कितना, चार, एंड मिली इक्वलेंट ऑफ केमेनो फोर हो जाएगा मोलर नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी हो जाएगा मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर पांच इंटू वॉल्यूम, दैट्स इट। यहां से आप वॉल्यूम निकालेंगे बच्चों 40 ml निकल के आ जाएगा, क्लियर, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। सीधा सीधा मिली इक्विवेलेंट बराबर किया, आंसर आ गया। अगला, व्हाट मास ऑफ HNO2 इज रिड्यूस्ड बाय 35 ml 0.16 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड रिएक्शन दी हुई है। यहां से आप फटाफट इसका एन फैक्टर निकाल दो जो कि दो आने वाला है, ऑल राइट, दो कैसे, यहां पे Mn मैग्नीज पे प्लस फोर चार्ज है क्योंकि दो ऑक्सीजन पे माइनस फोर होगा, यहां पे मैग्नीज पे प्लस टू चार्ज है, तो प्लस फोर से प्लस टू यानी दो इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, एन फैक्टर तो हो गया, दैट्स इट, इतनी ही खास बात थी। अब आप लिख सकते हो इक्विवेलेंस ऑफ MnO2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, इक्विवेलेंस ऑफ MnO2 हो गया वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट 87 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर 2, इसका मॉलिक्यूलर वेट 87 आएगा, आप निकालेंगे 55 मैंगनीज होता है प्लस आपका ऑक्सीजन यानी कि 32, राइट, 87 आ जाएगा, इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड 35 अपॉन 1000 मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट किया इनटू 0.16, दैट्स इट, यहां से वेट निकल के आ जाएगा अराउंड 0.24 ग्राम, सो दिस इज गोइंग टू बी योर बी आंसर, ऑल राइट, ठीक है बच्चों, आई होप कि समझ रहे होंगे आप ये प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम्स है, डायरेक्ट लॉ ऑफ इक्विवेलेंट का एप्लीकेशन है। नेक्स्ट, व्हाट वॉल्यूम ऑफ टू नॉर्मल K2Cr27 सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 0.81 ग्राम ऑफ H2S इन एसिडिक मीडियम टू कन्वर्ट इनटू सल्फर। यहां से बच्चों आप सबसे पहले H2S का n फैक्टर निकाल लो, यहां पे सल्फर माइनस टू होता है, यहां जीरो होता है, तो टोटल दो चार्ज का चेंज आया, दो इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, फैक्टर दो हो गया, क्लियर। अब सीधे आप इक्विवेलेंस फिर से बराबर कर दो, इक्विवेलेंस ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ H2S, ऑलराइट, इक्विवेलेंस ऑफ K2Cr2O7 होगा वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी दी हुई है टू, और वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड कर दो क्योंकि आपके आंसर्स मिलीलीटर में दिए हुए हैं, तो डायरेक्टली आपका मिलीलीटर आ जाएगा, इक्विवेलेंस ऑफ H2S हो जाएगा 0.81 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, यहां से आप वॉल्यूम निकाल के जब चेक करेंगे इट कम्स आउट टू बी 23.8 मिलीलीटर, ऑलराइट, सो योर बी आंसर इज गोइंग टू बी परफेक्ट, क्लियर। सब में सीधा सीधा इक्विवेलेंट लगाने का, अभी हम इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं जहां पे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ज्यादातर क्वेश्चन में सीधा सीधा इक्विवेलेंट लग जाता है, बस एन फैक्टर का खेल है हर क्वेश्चन में। अगला, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड कैन बी रिड्यूस्ड बाय 250 ग्राम ऑफ एन 8% वेट बाय वेट केमेनो फोर। इसमें थोड़ा सा ग्लिच डाल दिया है कि ये जो पूरा केमेनो फोर का वेट दिया है ये प्योर नहीं है, खाली इसमें 8% प्योरिटी है, कोई बात नहीं। वंस अगेन क्या मैं लगा सकता हूं, इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ केमेनो फोर, इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हो जाएगा आपका 0.1 इंटू नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंस ऑफ केमेनो फोर हो जाएगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट है 250 का 8%, राइट, ये हो गया प्योर केमेनो फोर का वेट, और इसका एसिडिक मीडियम में जो n फैक्टर होता है वो 5 होता है और मॉलिक्यूलर वेट 158 होता है। तो यहां से कैलकुलेट करके निकालोगे, वॉल्यूम निकालना था, आई एम सॉरी नॉर्मलिटी लिख दिया मैंने गलती से, वॉल्यूम निकालना था, तो वॉल्यूम कम्स आउट टू बी व्हाट, v इज इक्वल टू 6.3 लीटर, ऑल राइट, 6.3 लीटर, जस्ट कैलकुलेशन है, यू कैन मेक योर कैलकुलेशंस, ओके। अगला सवाल, इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर केमेनो 4 एंड 0.1 मोलर K2Cr2O7 अलाउड टू रिएक्ट विद Fe+2 टू Fe+3 इन एसिडिक मीडियम, देन Fe+2 ऑक्सीडाइज्ड विल बी, मतलब ये दो रिएजेंट हैं जो बारी बारी से Fe+2 को
ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो बोलते हैं किससे ज्यादा या कम, यानी Fe प्लस टू जो है वो किससे ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा, ज्यादा क्वांटिटी Fe टू प्लस का कौन ऑक्सीडाइज करेगा। तो सिंपल है, दोनों केस में मैं इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ Fe प्लस टू लिखूंगा, और इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ Fe प्लस टू। वॉल्यूम दोनों केस में बराबर है, इक्वल वॉल्यूम दिया हुआ है, और नॉर्मेलिटी को मैं मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर लिख सकता हूं, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ Fe प्लस टू। अब यहां से देखो बच्चों, मोलैरिटी भी सेम है दोनों की, 0.1 यहां भी है 0.1 यहां भी है, तो जिसका एन फैक्टर अधिक होगा वो ज्यादा इक्विवेलेंस Fe प्लस टू के ऑक्सीडाइज करेगा। इसका एन फैक्टर 6 होता है, इसका एन फैक्टर 5 होता है एसिडिक मीडियम में, तो क्योंकि इक्विवेलेंस ऑफ Fe प्लस टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का K2Cr27 का एन फैक्टर 6 है, तो K2Cr27 से ज्यादा इक्विवेलेंट Fe प्लस टू का ऑक्सीडाइज होगा। राइट, है ना, खूबसूरत सवाल, देखने में बड़ा लगता है, समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन है बहुत आसान। क्लियर, एंड द लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल बी एग्जैक्टली ऑक्सीडाइजिंग 25 ml ऑफ एसिड सोल्यूशन ऑफ 0.1 ml आयरन ऑक्सलेट। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आयरन ऑक्सलेट का एन फैक्टर 3 निकाला था, आप चाहो तो वापस देख सकते हो। राइट, मतलब आपको ये देखना है कि 25 ml 0.1 मोलर आयरन ऑक्सलेट के जो मिली इक्विवेलेंट है वो इन चारों में से किसके बराबर है। दैट्स इट, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सालिक एसिड, कितना हो जाएगा ये 25 इंटू नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इज 0.1 इंटू 3, यानी कि ये 7.5 मिली इक्विवेलेंट हो गया। अब आप चारों ऑप्शन में चेक कर लो कि किसमें 7.5 मिली इक्विवेलेंट है, वही आंसर हो जाएगा। जैसे हम ए ऑप्शन चेक करें, 25 ml 0.1 मोलर का मतलब 0.1 इंटू 5, राइट, तो 0.1 मोलर का मतलब 0.5 नॉर्मल हो गया, तो ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो 12.5 आ जाएगा, 12.5 मिली इक्विवेलेंट, तो ये आंसर नहीं हुआ। 25 ml 0.2 मोलर, यहां 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 1, यहां से 25 आ जाएगा मिली इक्विवेलेंट, ये भी आंसर नहीं हुआ। 25 इंटू 0.6, 0.6 इंटू 5 करेंगे 3 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। 15 इंटू 0.1 इंटू 5, तो 0.5 इंटू 15 ये आ जाएगा 7.5, अनलकीली आखिरी आंसर बैठा। राइट, तो डी के अंदर जो मिली इक्विवेलेंट है वो 7.5 है, जो इसके एग्जैक्टली बराबर है, इसलिए आपका आंसर डी हो गया। ऑलराइट गाइस, तो ये कुछ 10 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे जिसमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंट हमने लगाना सिखाया है। आगे के लेक्चर्स में हम लोग इसको और थोड़ा एग्जॉस्टिव और डिफिकल्ट वे में लगाना सीखेंगे। ऑलराइट बच्चा, चलो अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आयनिक इक्विलिब्रियम की लेक्चर सीरीज हमारे स्पेशल क्लासेस में चल रही है, एंड ऑलरेडी 6 क्लास हो चुकी है। अगली क्लास 20th of May को है एट 2 PM, उस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पोस्ट कर दूंगा, आप सब लोग इस क्लास को ज्वाइन करो। इसमें बफर सॉल्यूशन, बफर कैपेसिटी, टाइट्रेशन के दौरान कैसे पीएच कैलकुलेट करते हैं, सारी बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का। तो ये क्लासेस आप लोग रेगुलर वॉच करिए, ये क्लासेस नॉर्मली 2 बजे होती हैं, डेली नहीं होती हैं। आप लोग हमारी प्रोफाइल पे जाके चेक कर सकते हैं कि कब कब ये क्लासेस शेड्यूल्ड होगी, डेली का डेली हम शेड्यूल कर देते हैं इस क्लासेस को, तो आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं कि अन अकेडमी पे कब ये क्लास हमारी होने वाली है। और ये स्पेशल लेक्चर सीरीज है, तो इसमें प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं रिक्वायर्ड है, बट बाकी अदर प्लस के कोर्सेज के लिए प्लस का सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड है। अगर आपको चाहिए तो आप ये कोड यूज करके प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।